بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we are going to discuss the next water soluble vitamin, that is vitamin B2. This is also called riboflavin. सबसे पहले हम इसका structure discuss कर लेते हैं. देख लीजिए, this is the structure of riboflavin molecule. Riboflavin itself इसकी inactive form है, और जब ये एक phosphate group अपने साथ attach करके flavin mononucleotide में convert हो जाता है, तो ये अपनी active form में आ जाता है. फिर flavin mononucleotide एक adenylic acid residue अगर attach कर ले, तो ये flavin adenine dinucleotide या FAD की form में convert हो जाता है. Riboflavin inactive form है, और इसी riboflavin से दो active forms produce हो रही हैं, FMN and FAD. ये FMN and FAD दोनों as coenzyme redox reactions में अपना role play करते हैं. ठीक, that means के redox reaction में जो enzymes हैं oxidoreductases, ये उनके साथ एस को एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनकी रिक्वायरमेंट की एंड सोर्सेस की. इसकी आरडीए वैल्यू, आरडीए मींस रेकमेंडेड डाइट्री अलाउंस, इट्स आरडीए इज 1.8 मिलीग्राम पर डे. इट नीड इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड वाउंड हीलिंग, यानी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस में इसकी नीड चेंज हो सकती है. जैसे ग्रोथ का पीरियड होता है बच्चों में, वहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी. इसके अलावा प्रेगनेंसी लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और अगर कोई जख्म लग जाए और उसके भरने की स्टेज आ जाए, तो वहां पर भी राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. अब हम देखते हैं इसकी सोर्सेस क्या है. सोर्सेज इंक्लूड मिल्क, लिवर, kidneys and green vegetables. The supply from intestinal microbial flora is limited. फिर देख लीजिए इसकी sources बिल्कुल common चीजों में ये मौजूद है जो अमूमन हमारी daily life में शामिल होती हैं, हमारी daily diet में शामिल होती हैं. Milk हमारी diet में शामिल होता है, liver kidneys भी हम अपनी diet में लेते ही हैं, and green vegetables frequently हमारी diet में शामिल होती हैं. इसके बाद सप्लाई फ्रॉम इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल फ्लोरा इज लिमिटेड, यानी हमारी बॉडी में जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो इतनी ज्यादा इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकता. इसके फंक्शंस पर बात कर लेते हैं. इट इज द प्रिकर्सर ऑफ एफएमएन यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड एफएडी यानी फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय सेवरल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. It is needed for maintenance of mucosal, epithelial and ocular tissues. ये इनके functions हो गए. अब हम बात कर लेते हैं इसकी deficiency diseases की. Riboflavin deficiency is not associated with a major human disease. लेकिन इसकी deficiency अगर किसी और vitamin की deficiency के साथ combine हो जाए, उस वक्त कुछ सिम्टम्स जाहिर होने लगती हैं. फर्स्ट वन इज दी डर्माटाइटिस. डर्माटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑन द स्किन. फिर आ जाता है चीलोसिस. चीलोसिस इज एक्चुअली द फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. आपने नोट किया होगा कभी कभी हमारे होंठों के दोनों किनारों पर हल्का हल्का सा जख्म हो जाता है. दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन. इसको चीलोसिस कहा जाता है. नेक्स्ट आ जाता है ग्लोसाइटिस. दिस इज एक्चुअली द टंग अपियरिंग स्मूथ एंड पर्पलिश, यानी जबान हल्की सी पर्पलिश होने लग जाती है, जामनी सा शेड आने लग जाता है जबान पर. फिर इसके बाद वैस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया. सो दिस इज ऑल अबाउट राइबोफ्लेविन. आई होप आपने अपना लेक्चर रेडी कर लिया होगा. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल वाइटामिन के साथ मिलेंगे. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.